नाज़रीन, लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में पीएमएलएन बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल के ज़ेरे सदारत सोहराने का एहतमाम किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ फरोज शमसी की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जोहराने में पार्टी क़यादत सैयद फरहाद हुसैन बुखारी, अब्दुशकूर उस्मान खान, अदील हाशमी, शाहिद रफीक आवान और राजा कामरान सयाब के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जुबैर गिल ने जमाती कारकुनान को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आप कारकुनान की मोहब्बत और मेहनत पार्टी और हमारे कायद नवाज शरीफ के लिए बहुत अहमियत रखती है। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजीद तकसीम होंगे और आपसी इख्तलाफात की वजह से मुल्क बदनाम होगा, जबकि इसका बेहतरीन हल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अलग कोटा देना है जैसे अकलियतों का है। इसहाक डार के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालत को अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो सिर्फ इसहाक डार हैं। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद जनरल सेक्रेटरी राजा कामरान का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तमाम अपने पीएमएलएन यूके के उहदेदारों को तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आज ये अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बाहर निकलें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई और पाकिस्तान में जो परेशानी इस वक्त है ये सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खत्म कर सकते हैं। लास्ट चार साल से आपने देख लिया हमारे पाकिस्तान का, इमरान खान ने क्या हाल किया है, पाकिस्तान का हाल जाके देख ले। मैं खुद अभी पाकिस्तान से आया हूँ, इतनी महंगाई है और गरीब बंदे का क्या बनेगा। मैं समझता हूँ जो हालात बन रहे हैं, जो हालात बने हैं उस सिलसिले में बात तफसील से बात की गई है और इंशाल्लाह ताला आगे जो हालात आ रहे हैं उस पर तफसील के साथ बात हुई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो नवाज शरीफ साहब का जो विजन था जो है उसको इंशाल्लाह जो वोट को देखने पॉलिसी है वो जारी रहेगी। तारीख जो आत्मेतमाद आ रही है इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होगी। लोगों ने पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की है पीएम मोहम्मद आशिफ साहब के साथ, ये काफिले मिल के जाएंगे इंशाल्लाह ताला और ये सारे काफिले बताने हमें पूरे यूरोप में पीएम मोहम्मद आशिफ साहब के बयानिए को आगे लेके चलेंगे। पार्टी की आदत और जुबैर गुल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस एतमाद का इजहार किया और मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरूंगा।